हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका ग्रिड लाइन सेटिंग के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर स्टैड प्रो वी एट आई की वेलकम स्क्रीन दिखाई दे रही है मैं आपका यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे लेफ्ट क्लिक करूंगा उसके बाद मैं आपको यहाँ पे देखो आपका न्यू मॉडल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस पे टिक करना है डायमेंशन आपको लेंथ यूनिट आपको मीटर में रखना है फोर्स यूनिट आपको किलोमीटर में रखना है यहाँ पे आप फाइल नेम इसका कुछ भी दे सकते हैं तो मैं आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर वन है इसका मैं स्ट्रक्चर फाइव कर लेता हूँ उसके बाद अगर आप इसकी लोकेशन देना चाहें तो आप यहाँ से लोकेशन भी इसकी सेट कर सकते हैं इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे तो मैं आपका एड बीम पे इसको टिक रखूंगा उसके बाद मैं आपका यहाँ पे फिनिश पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा आपका जो स्टेड प्रो है स्टेड प्रो की आपकी ग्राफिकल इंटरफेस जो है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है आपका ओपन हो जाएगा क्लियर इसके बारे में मैं आपका लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों आपका जो ये आपके जो आपका वर्कशीट है जो आपका व्यू पोर्ट है इस पे आपका जो ये ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको दे रहा कि आपकी जीरो वन टू थ्री आपकी लेफ्ट साइड में है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में आपका जीरो वन टू थ्री इस तरीके से ये आपकी डायरेक्शन है प्लेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो आपको एक यूसीएस आइकन दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपका जो वाई डायरेक्शन है वो अपवर डायरेक्शन शो कर रहा है जेड एक्स डायरेक्शन आपकी यहाँ पे ये जो नीचे वाले जो वन टू थ्री है ये आपका एक्स डायरेक्शन में शो कर रहा है और जेड डायरेक्शन जो है वो आपकी तरफ को जेड डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है क्लियर हुआ तो ये था आपका ग्रिड लाइन्स अगर यहाँ पे आप जाओगे ऊपर टैब्स पे तो यहाँ पे आपको देखो जियो जियोमेट्री का एक टैब मिलेगा फर्स्ट आपका फाइल है एडिट व्यू टूल सिलेक्ट जियोमेट्री इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका स्नैप एंड ग्रिड स्नैप ओब्लिक ग्रिड नोड नोड का एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इस पर आप जैसे क्लिक करोगे इस इसपे माउस के कर्सर को लेके जाओगे तो यहाँ पे बीम का एक ऑप्शन मिलेगा इस पर आप जैसे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपकी जो ग्रिड है बच्चों वो यहाँ से आपकी हाइड हो जाएगी सेम ऐसे ही आपको फिर से अगर आपने ग्रिड को लेके आना है तो उसी ऑप्शन पे आपको जाना है और फिर से आपको बीम पे क्लिक करना है तो आपकी ग्रिड्स यहाँ पे आपकी शो हो जाएंगी क्लियर क्लियर हुआ इसके अलावा यहाँ पे रिबन पे भी आपका इसका डायरेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे देखो आपका रिबन के अंदर जो थर्ड आपकी लाइन है थर्ड लाइन के अंदर जो आपकी थर्ड रो है इसमें आपका जो फर्स्ट आपका टूल का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन से रिलेटेड ही आपके यहाँ पे टूल्स है तो इसमें आपका स्टार्टिंग से अगर मैं लेफ्ट साइड से चलता हूं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिफ्थ जो है वो आपका ग्रिड लाइन का यहाँ पे ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखो आपकी वो हाइड हो जाएंगी इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी आपकी ये शो होने लग जाएंगी क्लियर पे आप अगर जैसे आपकी जो ग्रिड है वो जैसे ही यहाँ पे शो होने लगती है तो राइट right साइड पे आपको स्नैप नोट बीम का एक डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा देखो ये आपका जिसको मैं आपका यहाँ पे ड्रैक कर रहा हूँ उस पर आपको सिंपल यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है क्लिक को होल्ड रखना है इसको आप जहां पे भी जिस लोकेशन पे भी आप इसको आप जो है ड्रैग करना चाहते हो उस लोकेशन पे आप इसको ड्रैग कर सकते हो बेसिकली ये जो आपका पैलेट है ये आपका जो डायलॉग बॉक्स है ये आपकी जो ग्रिड लाइंस है इससे रिलेटेड आपका ये डायलॉग बॉक्स है यहीं पे हम इसकी आपकी सेटिंग्स करेंगे ग्रिड लाइंस की तो देखो आपका इस पर एडिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है जैसे आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो एक और डायलॉग बॉक्स आपका लीनियर के नाम से एक डायलॉग बॉक्स जो है आपका ओपन हो जाएगा इसमें आप यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो अभी मेरा जो प्लेन सिलेक्ट है बच्चों वो प्लेन है मैं यहाँ पेड प्लेन जो है यहाँ पे कर लेता हूं अब प्लेन का मीनिंग से वाई आपका वर्टिकल होगा और एक्स और जेड आपका होरिजेंटल होगा क्लियर यहाँ पे अब आपके जो ये जीरो वन टू थ्री आपके लेफ्ट राइट साइड पे दिखाई दे रहे हैं और नीचे की साइड में जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके अब एक्स और वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लियर इसके बाद आपको यहाँ पे ओरिजिन प्लेस को भी आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो अभी आपका जो ओरिजिन है वो जीरो जीरो पे है अगर इसको आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके आना है तो वहां पे भी आप लेके आ सकते हो इसके बाद है बच्चों आपका यहाँ पे नीचे थर्ड ऑप्शन है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन तो ये जो बच्चों आपको यहाँ पे डोटेड लाइन आपको शो हो रही है ओरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में यही आपकी होती है कंस्ट्रक्शन लाइन क्लियर यही होती है आपकी क्या कंस्ट्रक्शन लाइन अब यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट कोलाम है आपका लेफ्ट सेकेंड कोलाम है आपका राइट थर्ड कोलाम है आपका स्पेसिंग का क्लियर थर्ड ऑप्शन है आपका किसका स्पेसिंग का तो यहाँ पे देखो आपका एक्स अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूं तो लेफ्ट में आपका एक्स भी जीरो और जेड भी जीरो इसका मीनिंग क्या है आपका अगर मैं किसी एक कॉर्नर पॉइंट को जो जीरो जीरो मेरा कॉर्नर पॉइंट है जहां पे भी मेरे माउस का कर्सर है इसके लेफ्ट डायरेक्शन में अगर मैं आता हूं तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन शो नहीं हो रही है इसलिए आपका यहाँ पे जीरो जीरो दिखाई दे रहा है मैं अगर इसके राइट साइड पे जाता हूं तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लाइन मिलेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन क्लियर ऐसे आपका जेड है जेड पे देखो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में आपका क्या है जीरो है जेड के अगर आप यहाँ पे इस ओरिजिन पे अगर आप खड़े हो जाते हो तो यहाँ पे देखो लेफ्ट डायरेक्शन पे आपका आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको अगर आप ओरिजिन पे इस तरीके से खड़े हो कि आपका जो फेस है वो आपका जो है जो आपकी ग्रिड लाइन है एक्स डायरेक्शन में वन टू थ्री इस डायरेक्शन में आपका फेस है तो आपका लेफ्ट साइड में आपको आप क्या देखोगे लेफ्ट साइड में आपका जेड डायरेक्शन होगी जहां पे आपका जीरो जीरो है और राइट साइड में भी आपकी जेड डायरेक्शन होगी लेकिन वहां पे आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन है कितनी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से तो लेफ्ट का मीनिंग क्लियर हुआ यहाँ पे देखो मैं अगर यहाँ पे आपका वन करता हूं तो मेरा जीरो देखो आपका शिफ्ट हो गया अब जीरो के लेफ्ट साइड में भी मुझे आपका वन मिलेगा मैं अगर इसको यहाँ से टू कर दे रहा हूं तो यहाँ पे देखो आपका जीरो के लेफ्ट डायरेक्शन में भी आपको वन और टू मिलेगा क्लियर आपने देखा होगा ना कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आपका एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एक तरफ नेगेटिव डायरेक्शन होती है तो सेम ऐसे ही है ऐसे ही आपका यहाँ पे जड़ पे भी है इसके बाद यहाँ पे राइट right में आपके टेन टेन है तो आप इसको भी इंक्रीज कर सकते हो इसको आपको इलेवन करना है तो देखो आपका इलेवन हो गया है यहाँ पे ट्वेल्व करना है ट्वेल्व हो जाएगा आपका इसको कम करना है आपका अगर आपको यहाँ पे तो ये आपका जो है टेन एट सेवन अगर इसको आपको कम करना है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो तो बाई डिफॉल्ट कितना रहता है आपका टेन रहता है ये याद रखना बाई डिफॉल्ट कितना रहता है आपका रहता है इसके बाद यहाँ पे देखो आपका, आपका स्पेसिंग यहाँ पे है स्पेसिंग आपकी जो बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है वो आपकी वन वन मीटर पे बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है आप इसको चेंज कर सकते हो आप इसको मैं पे कर लेता हूँ जेड डायरेक्शन में भी मैं आपका पॉइंट फाइव कर लेता हूं में 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 कर लेता तो देखो आपकी जो स्पेसिंग है वो चेंज हो गई है मैं यहाँ से ओके करूंगा तो अब मेरी स्पेसिंग यहाँ पे चेंज हो गई अब देखो आपका जो जीरो वन टू थ्री इस तरीके से था अब वो चेंज हो गया जीरो जीरो पॉइंट फाइव वन वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव इस तरीके से क्लियर फिर से हम लोग आपका एडिट पे चलते हैं तो यहाँ पे देखो आपका इस स्पेसिंग को आप टू भी कर सकते हैं मैं यहाँ से टू कर दे रहा हूं एक मैं टू कर लेता हूं एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में पॉइंट फाइव रहने देता हूँ तो देखो इस तरह की आपकी ग्रिड लाइन हो जाएंगी या आप दोनों डायरेक्शन में अगर आप टू टू करना है तो आप दोनों डायरेक्शन में टू टू कर सकते हो तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे देखो ये ग्रिड लाइन्स हो जाएंगी तो ये आ था आपका ग्रिड लाइन्स की सेटिंग की प्लेन मुझे कैसे अपना चेंज करना है या फिर मुझे अपनी जो ग्रिड की स्पेसिंग है उसको मुझे कैसे चेंज करना है ये हम लोग क्यों चेंज करते हैं ये हम लोग चेंज करते हैं बच्चों अपने प्लान के अकॉर्डिंग की मेरा जो प्लान है जिसको मुझे आपका स्टार्ट प्रो के अंदर एनालाइज करना है उसको उसकी एक्चुअल डायमेंशन क्या है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी जो ग्रिड होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं आपका उन की ग्रिड को हम लोग जो आपका सेटिंग करते हैं देखो जैसे मैंने आपका यहाँ पे टू टू मीटर किया तो यहाँ पे टू फोर सिक्स एट टेन इस तरीके से हो गया क्लियर हुआ तो ये था आज की वीडियो में हम लोगों ने जो आपका डिस्कस किया ग्रिड लाइन्स के बारे में नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे कि आपका कोई भी बीम हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज उस पर कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ओके okay बच्चों थैंक यू मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो पे अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना ओके okay बच्चों थैंक यू मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में